हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी गाइस। आज की वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिव ज़ोन पे, और मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट ज़ुहेब। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से न्यू चीज बनाने वाले, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में ये बनाया था एक नारुतो हेडबैंड। तो अगर आपको ये वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और आई बटन पे भी आ रहा होगा, जाके अभी उसको वीडियो को देख लीजिए। और आज हम बनाने वाले हैं एक बार फिर से न्यू चीज, जिसका नाम है कुनाई नाइफ। तो अगर आप नारुतो बन भी जाएं ये हेडबैंड बना के, तो कुनाई नाइफ बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुनाई नाइफ बनाइए। तो हम लोग बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा सारा सामान। हमें चाहिए ग्लू, 3 वाइट पेपर, तो इतना ही सामान है। अभी हम ग्लू और बाकी के 2 वाइट पेपर को साइड में रखेंगे। अभी हमें 1 वाइट पेपर की ज़रूरत है, तो अब हम इसको एकदम वैसे जैसे हमने हेडबैंड बनाया था वैसे फोल्ड कर देंगे। तो ये यहाँ पे मैंने एकदम फोल्ड कर दिया। आपको एकदम सही से फोल्ड करना, क्योंकि हमें इसको हेडबैंड की तरह काटना है। तो इसको एकदम सही से मैंने कर दिया फोल्ड। अब मैंने खोला और ये मैंने इसको काट फाड़ दिया। हाँ, तो अभी हमारे 2 टुकड़े हो चुके हैं पेपर के। एक टुकड़ा साइड में रख देंगे, अभी एक से काम चलाएंगे। इसको फिर से एक और बार फोल्ड देंगे बराबर का। ओके, तो एकदम सही फोल्ड है। इसको नहीं काटना गाइस, तो फिक्र मत करिए। और इसको फिर एक एरोप्लेन जैसे आप बनाते हैं वैसे ही एक फोल्ड दे देना है अच्छा सा। तो ये मैंने फोल्ड दे दिया इसको, एक ये यहाँ से और एक यहाँ से फोल्ड दे देना है अच्छा सा। हो गया कूल। अब हम इसको एक और फोल्ड देंगे ऐसे, एरोप्लेन जैसे बनाते हैं वैसे ही ऊपर के हिस्सों को फोल्ड देना है। एकदम ब्ले लाइन से मैच होना चाहिए और इस लाइन से बाहर नहीं निकलने चाहिए फोल्ड। तो यहाँ से मैं इसको भी फोल्ड दे दिया। अब इसको उल्टा करके फिर से फोल्ड देंगे जल्दी से। और इसको सही से मैंने फोल्ड दे दिया। अब सेम इसको ही फोल्ड देंगे। और ये हमारा एक, अब हम इसे बंद कर देंगे तो सही से। तो ये हमारा एक हिस्सा हो गया। अब हमें ऐसे ही 2 बनाने हैं, जो हमने पेपर बचाया था उसी से सेम यही बनाना है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको ये बना के मिलता हूँ सेम। तो गाइस, मैंने इसको सेम वैसा ही बना दिया एक। अब हमको इसको ऐसे ही एक इसको जोड़ देना है सही से, ऐसा लगेगा ये दिखने में। तो अब इसको हम ग्लू से पेस्ट करेंगे, लेकिन सारा नहीं करना गाइस। तो आपको ये खोलना है, पेंसिल लेनी है एक, और बस इतना ही, जितना यहाँ तक ये है इतना ही यहाँ तक आपको ग्लू यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी पेंसिल को अब साइड में रख देता हूँ। ग्लू लेंगे, अब हम ग्लू से इसको कर देंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसे पूरा चिपका देना है। तो गाइस, हमें अब इसको इस तरफ फोर्सिंग स्टेप हमें उल्टा करना है इसके इस तरफ यहां पे। तो गाइस, हमें सेम इतना ही यहां तक इसको ग्लू से चिपकाना है। जल्दी जल्दी चिपका देंगे फटाफट। ओके, अब यहां पे इतना ग्लू लग गया पूरे तरफ। अब हम इसे सही से चिपका देंगे, और ये चिपक चुका है सही से, पूरा ऊपर तक चिपका देंगे। अब हम इसको साइड में रखेंगे गाइस। ग्लू बंद कर देते हैं, इसको गिरा दो। अब हम एक और पेपर लेंगे और अब हम उसे फोल्ड करेंगे। अब हमें ये पेपर इस फोल्ड करना है, एक पेपर लेंगे ताकि वो मजबूत हो जाए। तो हम छोटा सा इसको फोल्ड करेंगे गोल गोल। तो पहले मैं वैसे निशान ले लेता हूँ, अब मैं इसको फोल्ड करूँगा और ताकि ये खुले। तो गाइस, ये मैंने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पे हम ग्लू लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे चिपका देंगे। तो ये मैंने ग्लू से इसको यहाँ पे बंद कर दिया। अब हम इस, तो गाइस ये मैंने पूरा फोल्ड कर दिया। अब मैं इसको यहाँ तक, पहले इसका देखेंगे कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो मैं इसको इतना ग्लू लगा दूँगा यहाँ तक, इस तरफ ग्लू पूरा। और अब यही सेम इतना ही ग्लू गाइस हमें दूसरी तरफ लगाना है पूरा का पूरा।
तो ये अब मैं इसको यहाँ चिपका दूँगा, इसको इसके अंदर ये मैंने यहाँ चिपका दिया इसको गाइस। तो अब हम इसको लेंगे, एक हिस्से को ऐसे फोल्ड करके देखेंगे, तो इतना ही फोल्ड होगा। अब यही खोलेंगे जितना हमने एरिया ये छोड़ा था यहाँ पे, और अब इसके अंदर मैं इसको ऐसे डालना है। तो ग्लू लेंगे हम और अब यहाँ से इसको बंद कर देंगे। तो ये मैंने बंद कर दिया, तो ये मैंने यहाँ पे अब सेम स्टेप इधर करना है, इसको इतना देख कर देना है फोल्ड। अब खोलेंगे इसको, यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देंगे। अब इसको यहाँ अंदर को फोल्ड कर देंगे। तो गाइस ये इतना हमने ये फोल्ड कर दिया दोनों तरफ से। अभी इसको साइड में रखेंगे, एक नया पेपर लेंगे तो और इसे इसको इस पूरा ऐसे साइड से मोड़ देंगे, साइड से ऐसे, ताकि ये मजबूत हो जाए। पूरा लेंगे और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो गाइस मैंने अब इतना इसको फोल्ड कर दिया, अब ग्लू से लेके इसको एकदम पूरा सही से चिपका देंगे। तो ये हमारा हो चुका है, यहाँ पे चिपक गया। अभी थोड़ा सा रुक छूट रहा है, इसको भी मैं ग्लू से चिपका देता हूँ। ओ उल्टा चिपका दिया, चलो कोई बात नहीं। तो अब ये मैंने इसको लिया, अब मैं इसको यहाँ पे ये जो हमारा था इसके अंदर डाल देंगे यहाँ से ऐसे, ताकि ये मजबूत हो जाए गाइस। अब यहाँ से ये मजबूत हो गया, अब ये इतना हम गोल कर देंगे अपने अंगूठे के हिसाब से इतना। तो इतना मुझे गोल कर देना है और ये हिस्सा इसको चपटा के इसके अंदर डाल देना है। तो इतना है, तो आप ग्लू लेंगे गाइस और इसको फिक्स कर देंगे। और हो जा, तो गाइस ये यहाँ पे हमारा कुनाई बनके तैयार हो चुका है। अब मैं आपको ये वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो गाइस हमने बना चुके हैं अपनी कुनाई नाइफ और ये बहुत अच्छी दिखती है देखने में। और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ये कुनाई नाइफ और ऐसी नारुतो वाली वीडियो। अगर आप कुनाई नाइफ के बिना नारुतो बनेंगे तो आप नारुतो ही नहीं कहलाएंगे, हेडबैंड एक वक्त के लिए ना, लेकिन कुनाई नाइफ ज़रूरी है गाइस। तो ये अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले पता नहीं क्यों चैनल को लाइक करेगा, वीडियो को लाइक करेगा। और अगर आपने मेरी हेडबैंड की वीडियो नहीं देखी तो अभी यहाँ आई बटन पे, पता नहीं कहाँ आ रहा होगा, बस आ रहा होगा आई बटन पे, लिंक वो जा क्लिक कर दिए और ये हेडबैंड भी अपने लिए बना लीजिए। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट करिए और बस। तो टिल देन टेक केयर एवरी एंड बाय बाय।